Hi guys, what's up? Welcome to the class. So today's lecture is on the amendments for November 22 for CA Final, both law and audit. ये combined lecture है. तो पहले मैं आपको audit के amendment कराऊंगा and then we'll move on to the law amendments. So anyone कोई हमारे बीच में अगर बहुत ही महान इंसान है, महारथी है, super genius है जिसको audit में exemption है, तो आप 35-40 minutes के बाद आप देख लीजिए law के amendment शुरू होगी. यहाँ पर आई थिंक maximum आधे घंटे के amendments है. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अगर आपको लॉ में एग्जाम्शन खाली आपको ऑडिट के अमेंडमेंट देखने, तो ये कंबाइंड लेक्चर ऑडिट का, क्योंकि वो एलओडीआर में ज़्यादा चेंज है, एलओडी के चक्कर में दोनों में कॉमन, तो मैं दोनों में से आपको करा दूंगा. अमेंडमेंट कहाँ मिलेगी सर हमको, ये चीज़ ये शीट कहाँ मिलेगी हमें? आरटीपी में मिल जाएगी आपको, आरटीपी के स्टार्ट में, या तो आप आईसीएआई की साइट पर जाकर आरटीपी डाउनलोड कर सकते हैं. नंबर टू, आप अगर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, उसके ऊपर ऊपर आपको देखेगा रेलेवेंट अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 22. कुछ मॉड्यूल में अपडेशन है, कुछ चेंजेस है. दूसरा चीज़, मार्केट में बहुत हवा है कि सर बहुत अमेंडमेंट है, बहुत अमेंडमेंट है, बहुत, कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, माइन्यूट चेंजेस आए, वो अपन अभी अपडेट कर लेते हैं. ऑडिट की अगर मैं बात करूँ, मेजर चेंज सभी एलओडीआर में, एंड अगर यहाँ अपन ने कर ले तो एक्जैक्टली वो सेम चीज़ आपके लॉ में भी आ जाएगा, सेम चीज़ें वापस से रिपीट होंगे. लॉ की जो मॉडल थी वो अपडेटेड नहीं थी, तो इंस्टीट्यूट ने जो पुरानी अमेंडमेंट्स थी उनको भी डाल दिए, तो ऐसा कोई अमेंडमेंट इतना ज़्यादा नहीं है. जैसे पूरा चैप्टर चेंज हो गया है, आंसर चेंज हो गया. ठीक है, आई होप आप बहुत खुश होंगे, बहुत शानदार तरीके तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की. पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे, डो नॉट बी स्कैर्ड, कम ऑन यॉस, यू कैन डू इट, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार. ठीक है, सो नवंबर 22 अभी तो एक ही सिलेबस रह गया है, फाइनल दे रहे हो आप, ऑडिट के अमेंडमेंट शुरू करते हैं अपन. ठीक है, तो सर देखो मेन चीज़ कहाँ पर आया, सेबी वाले चैप्टर में आया, आई मीन एलओडीआर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एलओडीआर. अच्छा, बाकी चीज़ स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है. पीयर रिव्यू जो पिछले टाइम के अमेंडमेंट्स थी वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है पीयर रिव्यू में. ठीक है, फिस्कल लॉज में मैं आपको बता दूँ, फिस्कल लॉज में जो टैक्स वर्ड की जो लिमिट है, टैक्स वर्ड की जो लिमिट है, आपके पास कोई पुरानी बुक होगी, आप मुझसे पढ़े हो, साल भर पहले ट्यूशन लिया था, आप मॉड्यूल से पढ़े, तो वहाँ पर 5 करोड़ लिखा होगा, 5 करोड़ की जगह वो 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ की बात हो गया. ठीक है, टैक्स ऑडिट में जीएसटी ऑडिट हट गया, जीएसटी ऑडिट आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो उसके कोई भी क्वेश्चन निकल गया, कोई पास पेपर कर रहे हो, कोई क्वेश्चन बुक से कर रहे हो, तो वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं, तो आएगा नहीं अभी. ठीक है, तो पीयर रिव्यू का एक चेंज था, जो पिछले टाइम का चेंज था वो मैंने आपको बता दिया. टैक्स वर्ड की जो लिमिट है वो बेटा 10 करोड़ रुपये की हो गया, अभी वो बोला 95% अगर कंडीशन मीट करते तो लिमिट इज 10 करोड़. सर वो 1 की 10 हो गई क्या? नहीं, 1 भी है 10 भी है. 1 क्या है बेटा, 1 करोड़ की जो लिमिट है वो नॉर्मल अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छा अगर आपका 95% बैंकिंग चैनल से हो रहा है तो आपकी लिमिट हो जाएगी 10 करोड़ रुपये की, तो दोनों लिमिट आज भी. अच्छा सर प्रोफेशनल वालों के लिए, उनके लिए आज भी 50 लाख है, उनके लिए आज भी 50 लाख है, बाकी और कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है, एक का दो का छोटा मोटा कुछ भी चेंज नहीं है. आ जाओ, तो जो आरटीपी में वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है. पहला, अगर आप पढ़ रहे होंगे आपको पता होगा वहाँ पर एनआरसी वाली बात नहीं, ये आई है आपकी ऑडिट कमेटी, ये पहला बात है आपको ऑडिट कमेटी वाला, तो इस चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाली क्या एड वर्ड किया एटलीस्ट. आपको पता होगा एलओडीआर में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं एलओडीआर की ऑडिट कमेटी में, राइट, आउट ऑफ विच अपन बोलते हैं 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, तो इसने वर्ड क्या ऐड किया, एटलीस्ट ऐड कर दिया, एटलीस्ट ऐड कर दिया, एटलीस्ट. तो एज सच आंसर में कोई फर्क नहीं हुआ, अमेंडमेंट है पर अमेंडमेंट है, पर अमेंडमेंट नहीं है. ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ ऐड हुआ, ये यहाँ पर ये 2/3 दिख रहा है, तो यहाँ ऐड कर दिया लोगों ने एटलीस्ट 2/3 शुड बी आईडी, एटलीस्ट 2/3 शुड बी आईडी. ओके, पीपल हु हैव स्टडीड थ्रू माई बुक, आप बुक लिए हो या फिर आपने खाली लेक्चर लिया होगा, तो ऑडिट कमेटी वाले चैप्टर में आ जाइए आप लोग, तो मैं दोनों से आपको मैपिंग करा दूँ. पीपल हैव डन सेल्फ स्टडी एंड पीपल हैव स्टडीड थ्रू मी, 1 सेकेंड, ऑडिट कमेटी एलओडीआर 93-115. सो पेज नंबर 99 पे, पेज नंबर 99 में को दिख रहा होगा 2/3 ऑफ दी शैल बी आईडी, तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ है लोगों का एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट. आंसर में कोई चीज़, तो अपन हमेशा वही पढ़ते थे ना सर, मिनिमम 3 फैक्टर्स आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी आईडी, मतलब होना ही चाहिए, मिनिमम होना ही चाहिए, कोई चेंज नहीं. ठीक है, तो पीपल हैव डन सेल्फ स्टडी, पीपल हैव स्टडीड थ्रू मी, मैं आपको दोनों की मैपिंग करा दूंगा. ठीक है, नंबर 2, तो ये हो गया नंबर 2. सर डिलीशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ आरपीटी फ्रॉम मैंडेटरी रिव्यू एरियाज, मैंडेटरी रिव्यू एरियाज, तो मॉडल वाले लोग आ जाइए. मैंडेटरी रिव्यू एरियाज में कुछ मैंडेटरी रिव्यूज हुआ करते थे, 6 हुआ करते थे हमारे, वो 6 ये रहे, इसमें से पॉइंट नंबर 2 डिलीट हो गया, पॉइंट नंबर 2 सिग्निफिकेंट आरपीटी डिलीट हो गया, ये नहीं पढ़ना, अब से नहीं रहेगा. करस्पॉन्डिंगली सेम चीज़ ऑडिट में, मतलब लॉ में भी आएगी. ठीक है, लॉ में भी आएगी सेम चीज़. तो इधर अगर मैं बोलूँ हमारे में मैंडेटरी रिव्यू एरियाज़ में, या नीचे पेज नंबर 100 पे आपको पॉइंट नंबर 2 दिख रहा होगा, वो हट गया, अब खाली 5 रह गए. तो अगर आप कोई सजेशन करो, पुराना क्वेश्चन करो, कोई क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना ये डिलीट हो गया है, ये वाला पॉइंट अभी नहीं है। मतलब 1, 3, 4, 5 है पर बाकी सब खाली 2 डिलीट हुआ है आपका। पेज 100 देन थर्ड पर आ जाइए। देन डिलीशन ऑफ पॉइंट नंबर 4। आपने देखा होगा पेज नंबर 7 मॉड्यूल में 7.16 में, पता वो चेयरमैन वाली एक बात होती थी कि अगर टॉप 500 वाली कंपनी है तो उसमें भाई साहब पढ़े मतलब चेयरमैन जो होना चाहिए वो कोई भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग रिलेटिव। ये आया था 2-3 पहले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आई थी। तो ये है ना पेज नंबर है बेटा 7.17 पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 चेयरमैन ऑफ टॉप 500 लिस्टेड नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू एमडी बीइंग रिलेटिव। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो अब वो क्वेश्चन रिडंडेंट हो गया क्योंकि ये पूरा पॉइंट डिलीट कर दिया गया, ये पॉइंट डिलीट कर दिया गया। तो जो क्वेश्चन अगर आपने कभी किया है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ओके देन बुक वालों टॉप 500 वाला पॉइंट आपको मिलेगा 1 सेकेंड, ये तो बोर्ड का है ना आगे होगा। सो पेज नंबर है 94 पे पॉइंट नंबर 6 खारिज कर दीजिए, हट गया, कट, ठीक है। देन नेक्स्ट अपडेशन क्या है ये सर, बोर्ड में कुछ आया इंसर्शन पैरा 8.5, ठीक है, रेगुलेशन साइड। तो ये कुछ ऐड हुआ है, ये कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ देखो अभी, The listed entity shall ensure the approval of shareholders for appointment of a person on the board or as a measure taken in the general meeting or within 3 months on the date of appointment, whichever is earlier. तो सर जो नेक्स्ट अभी किसी आदमी को आप अगर अपॉइंट कर रहे हो ऑन दी बोर्ड और एज अ मैनेजर, मैनेजर मतलब वो MD वाली पोजीशन वाले, तो क्या करो सर आप नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल ले लो और विद इन 3 मंथ्स whichever is earlier, मतलब मेम्बर्स का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऐड हुआ है, ठीक है। रुक जाओ, बताता क्या करना बाद में। सेफ where a person provided the appointment or reappointment of a person including MD, WTD, manager who was earlier rejected by the shareholders. अगर आप ऐसा कोई था जिसको पहले रिजेक्ट कर दिया, आप उसको वापस लेकर आ रहे हो, नया लेकर आ रहे हो, it can be done only with the prior approval of shareholders. जनरली क्या बोलता है, आपको किसी को बोर्ड पे लेकर आने का तो अपन पता है अड्डा पढ़ते थे, अड्डा अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, करेक्ट। मेंबर्स ओवर पास करते थे ना, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं मेंबर्स आपने उस दिन मीटिंग में ले लो, नेक्स्ट जनरल मीटिंग और फिर 3 मंथ्स whichever is earlier। बट कोई आदमी है जिसको पहले मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया, उसका ओआर पास ही नहीं हुआ था, अब उसको अपॉइंट करो अभी, सर प्रायर अप्रूवल लगेगा, प्रायर अप्रूवल। ऐसा मिलता जो तो आपने कैजुअल वैकेंसी में अगर आपने पढ़ रखा होगा, सर कैजुअल नहीं, एडिशनल डायरेक्टर वाले पॉइंट में पढ़ रखा है 161 सबसेक्शन 1, तो वहाँ पर तो बोलता है कि आप अलाउ ही नहीं है, वो बंदा आई नहीं सर जिसको शेयरहोल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर बोलते अलाउड है बट प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स, ठीक है। फिर अच्छा साथ में क्या जाएगा सर, सेक्शन 102 एनेक्स टू द नोटिस टू द शेयरहोल्डर्स फॉर कंसिडरिंग ऑन अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन और सब डिटेल लिख के दो नोटिस के अंदर, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन बाय NRC शैल बी मेंशन्ड। तो क्या होगा, आप ऐसा आदमी जिसको आप रिजेक्ट कर चुके हो ऑलरेडी, उसको आप रीअपॉइंट करना चाह रहे हो या अपॉइंट करना चाह रहे हो आप उसको, तो सर जस्टिफिकेशन दो। तो जो नोटिस जाता है ना मेंबर्स को जनरल मीटिंग के लिए, तो साथ में आपको उसका रीजन देना पड़ेगा आप क्यों अपॉइंट कर रहे हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन बाय NRC कि मैं इस आदमी को क्यों अपॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ ऐड हुआ, 7.17 मॉड्यूल है 7.17 आ जाइए। तो यहाँ से इसके नीचे वो ऐड हो गया यहाँ, तो वहाँ लिख दीजिए रेफर अमेंडमेंट RTP पेज 52-53 नवंबर 2022, ध्यान रहेगा आपको। अमेंडमेंट पेज RTP 52 नवंबर 2022 अपनी बुक में 94 के वहाँ लिखो, सब लोग सेम पॉइंट है, रेफर पेज 52 RTP नवंबर 22 पॉइंट वहाँ लिख दीजिए ज़रा, पॉइंट आएगा आपका वो 3.1 .3.1 वहाँ एड हुआ है 3.1। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आंसर में ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं। कहाँ चेंज है मैं आपको बताता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, बराबर आधा देना नॉमिनेट डायरेक्टर। तो अपने को पता ही था वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, पता है हमेशा अपन सीखते कि 6 कंडीशन मीट करती तो वो आईडी अगर नहीं है तो वो खाली वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, खाली वो नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा, नॉमिनेट डायरेक्टर कंपनी का आईडी नहीं बन सकता। सेम है सेम है सेम है। पॉइंट नंबर 4 में सुना भाई, पॉइंट नंबर 4 में 5 में अगर आपको याद होगा ना तो मेरा उसका कोई पैकेजर रिलेशनशिप है, ना मेरे रिश्तेदार का पैकेजर रिलेशनशिप, ना तो मेरा कंपनी के साथ कोई पैकेजर रिलेशनशिप है, ना तो मेरे रिश्तेदार का है, बराबर। तो हमेशा अपन ने वहाँ क्या सीखा है, करंट ईयर एंड लास्ट 2 ईयर्स, करंट ईयर्स एंड लास्ट 2 ईयर्स। तो वहाँ पर चेंज क्या हो गया, वहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स क्या हो गया 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स। तो आइडियली वही होना चाहिए था कि सर 3 साल का डेटा चेक करते हो, यहाँ पर करंट ईयर तो आज भी वही है, करंट ईयर ऑन द लास्ट 3 ईयर्स। पता है वो बोलते हैं रेम्यूनरेशन ले सकता है, एक्सेप्शन है, रेम्यूनरेशन ले सकता है, फिर ट्रांजेक्शन अप टू 10% ऑफ द रेम्यूनरेशन वो उतना ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें अपन क्या चेक करते हैं, करंट ईयर और लास्ट 2 ईयर्स देखते थे, अब क्या चेंज हो गया, दोनों में 3 ईयर्स हो गए। रिश्तेदार के लिए जो भी डेटा चेक करना है वो भी 3 ईयर्स हो गया। सो पीपल वर स्टडीड फ्रॉम मॉड्यूल, आ जाइए तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7.18। तो यहाँ पर लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ड्यूरिंग द 2 की जगह पर यहाँ आ जाएगा 3, और ऊपर वाले में भी 2 या 3। ठीक है, बुक वालों पेज नंबर है 95 देख रहे 2, यहाँ लिखो 3 ईयर्स, 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो यहाँ पर भी 3 3। तो जहाँ यहाँ 2 है वहाँ 3, सब जगह 3 हो जाएगा, मतलब पूरे पॉइंट नंबर 4 में 3 3 ईयर्स हो जाएंगे, 3 3 सब जगह पर 3। ठीक है, तो आंसर में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ, मेजर चेंज नहीं, खाली वो क्या 2 का भी 3 साल का डेटा चेक करना। डन। देन पॉइंट नंबर 5 सुनो मैं, आपको पता होगा कैजुअल वैकेंसी क्या कहते हैं सर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कैजुअल वैकेंसी ऑफ आईडी, सर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विचएवर इज लेटर, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विचएवर लेटर, ये सीखा था अपन। अब क्या हो गया, एन आईडी वो रिजाइन और रिमूव बाय द बोर्ड ऑफ द रेस्टोरेंट इट शैल बी रिप्लेस बाय न्यू आईडी। क्या लिखा है, एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। तो यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया, बोर्ड मीटिंग वाला उसने कहा जितना जल्दी उतना जल्दी बट नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। तो जो बोर्ड मीटिंग से लिंक जो क्वेश्चन है सारे हट जाएंगे। ठीक है, अभी कंपनीज एक्ट में क्या किया मुझे नहीं पता, आप लोगों को LODR के साथ चलना है, मैं आपको LODR पढ़ा रहा हूँ, LODR में आपको ये बोलना है एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। तो इसको लिखना पड़ेगा वहाँ पर, कहाँ मिलेगा आपको ये, एट द अर्लीस्ट, पेज नंबर 7.22 पर आइए। पॉइंट नंबर 8, एन आईडी वाज रिजाइन्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू आईडी एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 ईयर्स लेटर कर दो। काटो, बट नॉट लेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग वाली बात हट गई है, तो बोर्ड मीटिंग का क्राइटेरिया भी चेक नहीं करना है। अपनी बुक में पेज नंबर 98 पर आइए। ये दिख रही है, कट करो पॉइंट नंबर 3 में, आईडी टू रिजाइन और रिमूव आउट ऑफ रिप्लेस विद न्यू आईडी विद इन 3 months ऐसा लिख दीजिए, एट द अर्लीस्ट आईडी के बाद लिखिए एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 months, at the earliest but not later than 3 months, at the earliest but not later than the 3 months. ठीक है, तो इसमें एक चेंज है जिसमें जिसके ऐसा आंसर में फ़र्क आ सकता है कुछ. LODR में चेंज है, कंपनीज का मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ अपडेशन नहीं है, अभी लॉ का देखेंगे क्या है. पहले अपन अभी LODR की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट अमेंडमेंट, इसमें एक छोटा सा चेंज है. NRC वाला आंसर में अपन ऐसा बोलते थे कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउट ऑफ विच हमेशा बोलते अपन मेजॉरिटी शुड बी आईडी सिखाते थे. अब वहाँ पर क्या अपडेट हो गया, 2/3 शुड बी आईडी. क्या अपडेट हो गया, 2/3 शुड बी आईडी, 2/3 शुड बी आईडी, 2/3 शुड बी आईडी. NRC पेज नंबर है आपका ये 17.2626. तो वहाँ क्या बोलते देखो अभी, The board of every listed public company shall constitute NRC, which shall comprise at least 3 directors, all of whom shall be non-executive and at least. दिख रहा है वो, वहाँ लिखो at least 2/3. तो एक मेजर चेंज है जिसके वजह से आंसर चेंज हो सकता है. 2/3 shall be ID, 2/3 shall be ID, 2/3 shall be ID. क्लियर है बुक वालों? पीछे पीछे लिखा ना नरसी, तो पेज नंबर है 111. दिख रहा है एटलीस्ट हाफ, एटलीस्ट हाफ. एंड ऊपर लिख रहा हूँ मैं एटलीस्ट 2/3 शैल बी आईडी, एटलीस्ट 2/3 शैल बी आईडी. तो ये एक चेंज है जिसके साथ आंसर में चेंज आएगा. 111 ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा रोल ऑफ NRC भी चेंज हो गया. इंसर्शन मतलब चेंज मतलब क्या, ऐड हुआ है, ऐड हुआ है. तो ये 6.1 में इंसर्शन इन द रोल ऑफ NRC. तो NRC और क्या करेगा, फिर एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी द NRC शैल इवैल्यूएट द बैलेंस ऑफ स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस ऑन द बोर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इवैल्यूएशन प्रिपेयर अ डिस्क्रिप्शन रोल कैपेबिलिटीज द पर्सन रिकमेंडेड टू द बोर्ड एज एन आईडी शैल हैव कैपेबिलिटीज फॉर सच डिस्क्रिप्शन. तो जो आईडी है उसके प्रति अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो सर आपको ये सब चीज़ें और लिखनी पड़ेगी आईडी वाले के लिए. ओके, तो ये आपने को ऐड करने का, कहाँ ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ. सो रोल ऑफ NRC यहाँ पर ऐड कर दीजिए. पेज नंबर है मॉड्यूल में 7.27 प्लस अमेंडमेंट नवंबर 22 RTP पेज 54.6.1 6.1 ठीक है. अब बुक वालों तुम भी आ जाइए NRC में नीचे प्लस RTP अमेंडमेंट पेज 54.6.1 पेज 54.6.1. तो ये आ हुआ ऐड हुआ है. आंसर में खाली एक चेंज है, वो वहाँ पर आ गया एटलीस्ट 2/3. तो ये इम्पोर्टेंट. Then next, the provision of regulation 21 मतलब ये बात होता है RMC वालों के लिए. ये अपनी लास्ट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट टॉप 1000 एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड, ये पहले का ही है. तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये RMC में, तो ये लोग ने ऐड नहीं किया था. इट इज़ एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, RMC वाला पॉइंट प्लस हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी. ठीक है. नाउ बुक वालों तो ये पुरानी अमेंडमेंट है, पेज नंबर है 109, ये करवा देते लास्ट टाइम ही। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी प्लस हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, जिसके पास नई वाली बुक उसमें तो यही होगा हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। क्लियर, तो ये पिछले अटैम्प्ट की अमेंडमेंट थी। अब सुनो मैं, अब इस वजह से क्या हो गया है, तो अगर आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था कमेटीज़ वाला, तो ये चार्ट भी मैंने दिया है, फ़ोटो खींचने को भी बोला था। इसमें क्या हुआ है, तो ये कंपैरेटिव चार्ट है, जिसके पास नहीं तो फ़ोटो खींचना। रुको अभी मत खींचो, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसमें खाली जो चेंज हुआ ना, खाली यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया एनआरसी में खाली क्या हो गया अभी वो, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ, एटलीस्ट 2/3 शुड बी आईडी, ये चेंज हुआ, एटलीस्ट 2/3 शुड बी आईडी। तो ये कंपैरेटिव है, ये मैंने लॉ की बुक से उठा रखा है, तो आपको ऑडिट में भी काम आएगा, लॉ में भी काम आएगा। ये अपडेटेड वाला चार्ट है पूरा। फोटो खींच लीजिए, आई जस्ट close the text so you can copy easily। फोटो खींच लीजिए या बाद में इसको आप लिख के कोई पेज पे अपने शेल्फ पे, डेस्क पे रख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो ये वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें खाली एक यही चेंज आया बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा आरएमसी में ड्यूटीज़ में कुछ और ऐड किया है, इंक्लूड द फॉलोइंग, आरएमसी शैल हैव फॉलोइंग ड्यूटीज, तो इसको भी लिख दीजिए हाथ का। 7.155 एज सच आंसर में कोई चेंज नहीं है, सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करें सर, रिस्क मैनेज करेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेफर पेज 55 7.1 आरटीपी अमेंडमेंट। तो वो ऐड हुआ है, खाली आरएमसी की जो ड्यूटीज है वो अपडेट कर दी लोगों ने। इसमें इधर लिख दीजिए आरएमसी ड्यूटीज पेज 55.7.1, पेज नंबर है 109, पेज नंबर है 109। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, तो मेजरली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, खाली थोड़े बहुत अपडेशन आते गए हैं। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स ये ऐड किया ये लोग ने, इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एज सच अपन इसको नहीं पता, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं इस पर क्वेश्चन बन सके। तो इसमें आपको मैं रीड करवा देता हूँ खाली। द लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड एनुअल रिपोर्ट इन द फॉलोइंग मैनर टू द शेयर होल्डर्स, कैसे जाएगी सर, जिसका नाम दे रखा है, ईमेल आईडी है तो सॉफ्ट कॉपी, जिसका ईमेल है सर, हार्ड कॉपी जिसका ईमेल नहीं है, मिल नहीं है, हार्ड कॉपीज हुआ रिक्वेस्ट। तो सेम एक अपन अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर है अपना, उसमें करते थे सेक्शन 136 में, जिसका ईमेल है ईमेल कर दीजिए, जिसका ईमेल नहीं है उसको हार्ड कॉपी दे दीजिए। जैसे मैं स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि मैं कोई हार्ड कॉपी, जिसको हार्ड कॉपी दोगे आप। ठीक है सर, लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड एनुअल रिपोर्ट नॉट लेस देन 21 डेज, एजीएम का जो नोटिस था 21 डेज वाला वो। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर और री अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या जाएगा सर, उसका रेज्यूम दीजिए, क्या एक्सपर्टीज़ है, कहाँ का वो ऑलरेडी डायरेक्टर है चुका है, कहाँ का वो है, शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ आईडी, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, तो सब डिटेल देनी पड़ेगी आपको। द ऑडिटर शुड सर्टेन द कम्युनिकेशन सेंड वेदर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट और फॉर न्यू डायरेक्टर और री अपॉइंटमेंट द शेयर होल्डर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इन्फॉर्मेशन स्टेपुलेटेड अबव। तो ऐसा गैरा डायरेक्टर नहीं बनता सर, आपको पूरा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है उसका, कहाँ का होल्डिंग है, क्या काम करता था पहले, कहाँ रह चुका है वो डायरेक्टर, वो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो कंपनी पे ड्यूटी आ गई है फिर। तो इससे ऐसा मेरे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब आईपीसीसी मतलब बहुत बचपन की बात है। खाली 21 डेज ये लॉजिकल है, ईजीएम का नोटिस आता है तो पता है आपके घर पे एनुअल रिपोर्ट आता है, आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा शेयर्स में या फिर पापा ने कर रखा होगा, घर पर आती है, तो 21 दिन पहले की बात है ना, तो कॉमन है वो चीज़। अब रिलेटेड पार्टी, तो रिलेटेड पार्टी में चेंजेस आ गई है। क्या चेंज है मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, रुको अभी। तो क्या करोगे मॉड्यूल में आरपीटी वाले डिस्क्लोजर में, पेज नंबर है आपका वो मॉड्यूल में आएगा 7.35, ये वहाँ लिख दीजिए पूरा। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, refer RTP amendment, refer RTP amendment page 56.9, page 56.9. ठीक है, सेम चीज बुक वालों आप भी आ जाइए। ये कट कर दो, वहां लिखो रेफर पेज 56.9। ठीक है, चलो अभी द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली कंप्लेंट्स रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट क्वार्टरली ही जाएगी। कितने दिन के अंदर? 21 डेज। नो चेंज, नो चेंज। सर आप तो आरपीटी पढ़ा रहे थे, पर उसमें पहला पॉइंट ये डाला हुआ है वो लोग ने। अब आरपीटी के लिए क्या बोलते हैं? द लिस्टेड एंटिटी शैल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ऑफ द आरपीटी। दिस पॉलिसी शुड इंक्लूड द लिमिट्स ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। फर्दर सच पॉलिसी शैल बी रिव्यूड वंस इन 3 years, वंस इन 3। तो ये नया ऐड हुआ है। आरपीटी विल बी कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट इज एंटर्ड whether individually or taken together with the previous, ऐसा मिला मिलू के कितना हो रहा है? If it exceeds 1000 crore rupees और 10%, 1000 crore rupees और 10% of the annual consolidated turnover, of the annual consolidated turnover of the listed entity as per last audited FS। वो क्या बोलता है? मटेरियल कैसे देखेंगे अपन? सर आपने कोई आरपीटी की ट्रांजेक्शन की विच इज़ मोर देन 10% ऑफ द कंसोल टर्नओवर और 1000 crore whichever is less। मैं बोलता हूँ ये मेरा आता है 850 crores और 1000 crores whichever is less। तो मैं लिमिट आ गया 850 का। अज्यूम करो 900 करोड़ का अपने ट्रांजेक्शन सब मिला मिलो के एक साल के अंदर। तो भाई मटेरियल है, तो ये मेरे क्या हो जाएगी? मटेरियलिटी चेक की जाएगी। सर ऑल आरपीटी एंड सब्सिक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशन कुछ भी अगर आपको करना है शुड ऑलवेज रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आईडी। प्रायर अप्रूवल ऑफ आईडी हमेशा आपको अप्रूवल लगेगा। तो नया पॉइंट ऐड हुआ है। ऑडिट कमिटी में ऑल्सो ग्रांट ओमनीबस अप्रूवल, या अपन ने लॉ में भी पढ़ रखा है ओमनीबस अप्रूवल, ब्लैंकेट अप्रूवल। क्योंकि अपन क्या पढ़ते हैं लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी हर आरपीटी के लिए आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगेगा। बट भाई ऑडिट कमेटी बार बार क्यों करेगी? एक साथ में बोलते कि चलो काम को इतने रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर लो। अच्छा कितनी लिमिट है वो अपने को अभी इसमें नहीं दी गई है। तो लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट एक्सचेंज डिस्क्लोज ऑफ आरपीटी इन द फॉर्मेट विच इज गिवन बाय द बोर्ड टू एक्सचेंजेस। ठीक है, however high value that listed entity shall submit such disclosure along with standalone FS for the half year। high value का कैसे देना है? half year में देना है standalone के साथ। RPT का normal कंपनी को कैसे disclosure देना है? नीचे दे रखा है listed entity shall give such disclosures, मतलब RPT disclosures every 6 months within 15 days from the date of standalone and CFS publication। आपका standalone CFS पब्लिश हुआ 15 दिन का, पुराने में क्या था मुझे याद नहीं, 15 दिन 6 months। ठीक है, तो साल के 12 हो गए, अभी साल के 2 हो गए, 12 महीने के 2 हो गए। अच्छा ट्रांजेक्शन के लिए क्या बोला गया? तो ये है। उसके बाद क्या बोलता है? अगले साल से 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा? every 6 months ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड CFS। पुराने में क्या था भूल जाओ, नया वाला रूल क्या कहता है कि सर आपको 6-6 महीने के दिन है आरपीटी के डिस्क्लोजर्स ऑन द डेट। पर ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2013 से। अभी अगर मैं मेरी अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? 6 महीना विदिन 15 डेज, 6-6 महीने के जाएंगे विदिन 15 डेज, 6-6 महीने के विदिन 15 डेज। 1 अप्रैल 2023 से 6 महीने के ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ FS और CFS। वहाँ पर क्या था? 6 महीना एंड विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अगर मैं बोलता हूँ मैंने अप्रैल टू सितंबर का रिजल्ट बनाया, मैंने 15 अक्टूबर सबमिट किया, तो 15 अक्टूबर के 15 दिन के अंदर, 15 अक्टूबर के 15 दिन के अंदर मेरे को सबमिट करने का आरपीटी के डिस्क्लोजर्स। अच्छा बाद में क्या हो जाएगा? 2023 में क्या हो जाएगा सर? ऑन द डेट ऑफ CFS और SFS जब आपने सबमिट किया होगा, मतलब जब पब्लिश होता है, मतलब मार्केट में जब गया। अच्छा तो पहला वाला जो पॉइंट था वो क्या था सर? वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट है। वो साल में 4 बार 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, साल में 4 बार 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। उसमें कोई चेंज नहीं है, आरपीटी के वाले में चेंज आ गया। तो ये अमेंडमेंट है, दिखेगा पेपर में, दिखने के चांसेस है। देन फिर एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन फॉलोइंग। ये खाली एनुअल रिपोर्ट के कुछ डिस्क्लोजर्स को आप रीड कर सकते हो। तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, मतलब एडिशन आया, एडिशनल डिस्क्लोजर्स आया कुछ। सर आरपीटी के डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे, होल्डिंग कंपनी को लोन्स वोन सब्सिडी को क्या क्या रिसीव हुआ है, क्या क्या दिया है, वो सब लिखना पड़ेगा इनको। वो 184 ना, 184, 185, 186। तो मेन आपका ये 184 हो गया, इंटरेस्ट डायरेक्टर के डिस्क्लोज हो गया, 186 LIGS वाली बातें हो गई, वो सब आपको लिखनी पड़ेगी। ये रीड करना है खाली। द अबव डिस्क्लोजर शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू लिस्टेड बैंक। क्यों भैया? बैंक है, धंधा है रोज उनका, तो इसी में 186 184 को लिंक कर रहा है आपको। देन वेरिफिकेशन बैलेंस विद आरबीआई ऑफ इंडिया पार्ट अनरेस्पॉन्डेड रीड करना पड़ेगा, तो एक टाइपो रहता है इंस्टीट्यूट का। अच्छा, फिर बहुत सारी मॉडल्स में प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चों को इश्यू होता था, तो वहाँ पर वो लोग ने क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हुए थे, बिकॉज वो लिमिट 10 करोड़ हो गए ना, वो एक सम है जहाँ पर अपन टैक्स वर्ड कैलकुलेट करते हैं, एप्लीकेबल है नहीं एप्लीकेबल, तो वहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर दिया, आंसर में चेंज नहीं किया, ऐसा कुछ इशू था। तो ये वो 2 जगह मिस्टेक है, वो चेंज की हुई है, 2 जगह टाइप वर्ड तो वो चेंज किया है। टैक्स वर्ड की लिमिट 10 करोड़ हो गई, ये मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में। जीएसटी ऑडिट नॉट एप्लीकेबल। फिर चैप्टर 18 ऑन प्रोफेशनल एथिक्स की इलस्ट्रेशन में कुछ चेंज है, जो मिस्टेक थी वो अपडेट कर दी है। Mr. X is a chartered accountant accepted the appointment of stat auditor of company ABC without commenting with previous auditor. तो clause 8 में GPM and he failed to assert in the compliance of 139. Clause 9 में GPM. तो 8 और 9 में GPM, 811, 911 and GPM. तो आप लोगों को पता अपन क्या पढ़ते थे, खत्म, कोई अमेंडमेंट नहीं, आधे घंटे में अमेंडमेंट खत्म हो गया थी। मेजर चेंज LODR में ही है, वो भी छोटे छोटे। अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट चेंजेस में RPT का पूरा चेंज हुआ आंसर RPT में, ठीक है। RMC में ऐड कर दे तो शायद शॉर्ट नोट बनकर आ जाए। एनआरसी में एक इंडिपेंडेंट एक्टर के प्रति पे पॉइंट ऐड हो गया तो वो काम किए, हाँ वो 2/3 वाला काम का है, एमसीक्यू में दिख सकता है आपको वो। अच्छा, इंडिपेंडेंट एक्टर कैजुअल वैकेंसी कोई क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट ने बना के दे दिया एमसीक्यू में 2 मार्क के में या डिस्क्रिप्टिव में, वो काम का है। बोर्ड मीटिंग का कॉन्सेप्ट हट गया तो वो छेड़ेगा तुमको, बोर्ड मीटिंग से जानना छेड़ेगा तुमको। देन 2 साल में 3 साल अपन लिखते अभी आईडी वाले पॉइंट में। फिर इसमें तो ठीक है आरबीआई आई मीन शेयर होल्डर्स का हमेशा अप्रूवल लगेगा अपने को। फिर डिलीशन वो टॉप 500 वाली बात डिलीट हो गई है, ऐसा कोई ज़्यादा चेंज है नहीं। फिर वो मैंडेटरी रिव्यूज में आरपीटी वाली बात चेंज हो गई है एंड ऑडिट कमेटी वाले पॉइंट में 80 लिखना है, और कोई चेंज नहीं है। नवंबर 22 CA फाइनल में और कोई चेंज नहीं, इतना ही पढ़ना ऑडिट पेपर के लिए। कूल है, तो यहाँ पर मैं ऑडिट की अमेंडमेंट खत्म करता हूँ। टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपये है, जीएसटी ऑडिट नॉट एप्लीकेबल। पीयर रिव्यू पिछले अटैम्प की बड़ी अमेंडमेंट है तो देख लेना, मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको अगर पिछले अटैम्प की अमेंडमेंट चाहिए तो आप जा सकते हो www.letslearnindia.in, जो नीचे टिकर घूम रहा है ना, उसमें आपको वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा। फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको अमेंडमेंट्स की शीट मिल जाएगी पिछले अटैम्प की। अच्छा, वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर। अब मैं आपको कर रहा हूँ लॉ की अमेंडमेंट, तो जिसके लॉ में एग्जामिनेशन आप बंद कर सकते हो, खाली मैं अभी लॉ की बातें करूँगा। जिनको एग्जामिनेशन नहीं है, अपने को पढ़ना है, तो अभी अपन देख लेते हैं। सेम लेवल पे लेके चलेंगे अपन, मॉडल मैं अपनी बुक में भी चेंज करवाऊँगा एंड मॉडल में भी कराऊंगा। तो अगर आप कोई और टीचर से पढ़कर आए हैं, खुद पढ़े हैं, तो मॉडल लेके बैठ जाइए, कोई मेजर चेंज नहीं है। आइए लॉ एग्जामिनेशन वाले पीपल, यू कैन गो, कोई टेंशन नहीं। बाय बाय, टाटा। सो आज अभी लॉ के अमेंडमेंट्स पे ये कट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं है। तो अगेन मैंने आरटीपी से निकाला है और आईसीएआई की साइड पे आपको मिल जाएगा वहाँ पर अमेंडमेंट्स। सो पहला अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, पुराना ही अमेंडमेंट, आपको पता होगा 5 बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली होती है। जब 5 बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली होती थी तब वो हटा दी गई ना, पिछले टाइम के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया था। जो 5 बातें प्रोहिबिटेड है क्या, ये बातें आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से नहीं कर सकते, नहीं करता, वो अलाउड हो गई है, सब अलाउ हो गई है, पूरी डिलीट हो गई है। तो पिछले टाइम का क्वेश्चन था, तो ये अमेंडमेंट पुरानी है, कोई नया नहीं है। अच्छा, फिर ICAI वाइड नोटिस, ये भी लास्ट अटैम्प्ट के अमेंडमेंट 393A फॉरेन कंपनी चैप्टर है, फॉरेन कंपनी चैप्टर। तो पीपल हैव डन रेगुलर बैच विद मी या फास्ट ट्रैक या कोई रिवीजन बैच, मैंने आपको बता दिया था ये चीज़ें, तो सेम वापस से रिपीट हो रही है। तो मॉडल में जो अपडेशन थी इंस्टीट्यूट ने वो अपडेट किए। सो सर आपको लास्ट में 393 जब खत्म होता है 393 ऐड करना पड़ेगा। वो क्या बोलता है, CG ईयर बाय एग्जाम्स फ्रॉम द प्रोविजन 387 to 392 बोथ इंक्लूसिव फॉरेन कंपनीज एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेट टू बी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया वेदर कंपनी हैज़ और हैज़ नॉट एस्टैब्लिश और वैन फॉर्म मे और मे नॉट एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ, मतलब विदेश वाली कोई कंपनी, प्योर जो विदेश है ना, बाहर की बाहर। इन सो फार सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस एंड ऑल द मैटर्स इंसिडेंट दैट इन IFSC। तो IFSC वाले और SEZ में अगर आप एस्टैब्लिश कर रहे हो बाहर वाली कंपनी, आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉरेन कंपनीज या फिर जो बाहर कंपनीज है, मतलब जो इंडिया में बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करेगी, उनको 387 to 392 एग्जेम्प्टेड है। तो किसके थ्रू आया, 393A के थ्रू आया, 393। तो आंसर में ऐसा कोई चीज नहीं है, फॉरेन कंपनी में आपको ऐड करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनी। फिर रूल्स चेंज हुए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बेस ऐड हुआ, ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन देयरफॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी इन IFSC सेटअप अंडर सेक्शन 8 ऑफ SEZ। सो ये ऐड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या क्या ऐड होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक बेस ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स क्या हो रहा है, जो लिस्टिंग मतलब सिक्योरिटीज हम लोग जो लिस्ट कर रहे हैं कहाँ पर, IFSC में। IFSC जैसे अडानी गुजरात में आ चुका है ना, IFSC सेंटर। आई होप नाउ यू आर क्लियर फॉरेन कंपनी में क्या एडिशन हुआ है। तो खाली एक सेक्शन ऐड हुआ है कि भैया कि अगर आप सिक्योरिटीज लिस्ट कर इशू कर रहे हो कहाँ पर, IFSC वाले में, पर आप कौन हो, या तो फॉरेन कंपनी हो 242 वाली, या फिर आप खाली प्योर फॉरेन कंपनी विदेश वाले, तो आपको 387 से 392 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उससे की जो डेफिनेशन है नीचे वो ऐड हुई कि भैया इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है, Electronic based offering of security subscription or listing of security in IFSC shall not be construed as electronic mode. अंडरलाइन कर दीजिए उसको. सो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है. देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आपको पता होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या बोलता है कि भैया अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, राइट? एग्ज़ाम देनी पड़ती है. तो अगर किसी के पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में तो अपडेट कर दिया होगा इंस्टीट्यूट ने, 1 सेकेंड, तो वहाँ पर चेंज हुआ है कि भैया इतने लोग को एग्ज़ाम नहीं देनी है. पता होगा ना वो, अगर कोई आप डायरेक्टर रह चुके हो या आप MD रह चुके हो, एक मिनट रुका, जस्ट ओपन नेट. तो देखो आपको वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है, पर अगर आप क्या हो, पेज नंबर है बेटा मॉड्यूल में 1.44, न्यू बुक पीपल ऑडिट, आई मीन लॉ वाले, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच वाले, अपने तो बराबर है नया वाला. किसी अगर पुरानी बुक की तो अपॉइंटमेंट में आप देखना वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ रूल्स लिखवाए थे. रूल्स में वहाँ पर ये चीज़ था कि अगर आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं कब, आप अगर डायरेक्टर हो या के एम पी हो किसके, ये वाली कंपनीज के. तो इसमें चेंज आया है, ठीक है? तो ये ए में जो 4-5 है ये तो सेम है, फिर ये जो बी और सी है इसमें चेंज आया, बी और सी में चेंज आया, ठीक है? तो इसमें ही चेंज आया खाली. सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रूल्स में देखना वहाँ पर आपको पीछे रहेगा, कोई पुराना अटैम्प्ट होगा, मुझसे पढ़ चुका है. तो अगर हम बोलते थे कि आईडी में आपको सबको एग्ज़ाम देनी पड़ता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है आपको, पर आपको एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं. अगर आप वहाँ पर क्या हो, आप किसी कंपनी के MD रह चुके हो, चेयरमैन रह चुके हो, KMP रह चुके हो, ठीक है? तो उसमें क्या हो गया, ए सेम है, खाली बी और सी में ऐड हुआ है. क्या ऐड हुआ, देखो भाई, who in the pay scale of director or equivalent or above in the ministry or department of CG or SG and having experience in handling कहाँ commerce, corporate affairs, finance, industry और public enterprise, या फिर आप क्या हो, government companies या statutory corporation में आप वहाँ पर काम कर चुके हो, ठीक है? फिर लास्ट में एक और पैरा ऐड हुआ कि अगर आपको 10 साल हो चुका है पर आप क्या हो, लॉयर हो, CA हो, CS हो, CM हो, तो आपको एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं. तो ये आपको एग्जामिशन के थ्रू MCQ में पूछ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है. तो एग्ज़ाम किसको देने की जरूरत नहीं है, तो सर जो चेयरमैन या जो KMP रह चुका है. ए में 5 पॉइंट है वो सेम है, बी में ये ऐड हुआ है कि आप डायरेक्टर के पे स्केल में हो या उसके ऊपर वाले में, ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एनी CG SG, फिर रिगार्डिंग फॉलोइंग मैटर्स, या आप गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में थे, तो सर तो भी आपको देने की जरूरत नहीं है एग्ज़ाम. फिर क्या बोलते हैं, अगर आप 10 साल हो चुका है, CA CA SCA में 3 महान लोग, एंड हमारे एक और भाई है लॉयर, वो भी महान आदमी, इन 4 को एग्ज़ाम देने, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने क्वालिफाइड हो, आपको ID का एग्ज़ाम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये पुराना चीज़. अब निधि में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो आंसर्स में चेंज लाता है. क्या क्या चेंज है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? निधि वाला नोट्स खोलिए आप लोग, निधि वाला नोट्स अपनी बुक में आपको मिलेगा, मिसलेनियस. निधि में लास्ट में एकदम मॉड्यूल में आ जाइए, पेज नंबर है 10.19, 10.19. अब देखो फास्ट ट्रैक में तो मैंने अपडेटेड ही करवाया है, रेगुलर वाले में आ जाओ. क्योंकि तब तक अमेंडमेंट सी ये सब RTP से अमेंडमेंट पता चलती है कि RTP में क्या आया है, कितना आया हुआ है. पेज नंबर 143 वॉल्यूम 1 रेगुलर वाले, पेज नंबर 143 रेगुलर वाले। ठीक है, अब मैं आपको मॉडल से मैच करा, फास्ट ट्रैक में तो अपडेट मैंने आपको पढ़ा था, वो आरटीपी से मैच भी करा था, क्योंकि तब तक जब हम लोग ये पढ़ा रहे थे लाइव में तो तब तक तब तक आरटीपी आ चुकी थी। तो सर देखो पहला क्या, इन फॉर द वर्ड्स 5 lakhs 10 lakhs शैल बी सब्सटीट्यूटेड, फॉर द वर्ड्स 5 lakhs 10 lakhs शैल बी सब्सटीट्यूटेड इन रूल 4 सब रूल 1 मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला। पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपये हो गया अभी, पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपये। तो जहाँ भी आपके पास वो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो अभी, कोई और ऑथर की बुक है, कोई नोट्स आपके पास, ठीक है, 10 लाख करने का है। रेगुलर वालों वॉल्यूम 1 में पेज नंबर है 144, वहाँ पर लिख दीजिए 10 लाख रुपया, 10 लाख। तो मेजर चेंज ये है जिसमें आंसर चेंज हुआ। देन नंबर 2, in rule 5 of the said rule the following sub rule shall be inserted, namely the provision of this rule shall not be applicable for nidhi incorporated as on or after the commission nidhi amendment rule 2022। अब इसका आंसर पे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट आ नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ बेर से। देखो इन रूल 5 ऑफ द सेड रूल्स, सर कौन सा सेड रूल है भैया तुम्हारा, फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल 2022। द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज इनकॉर्पोरेट ऑन कमेंसमेंट। देखो नीचे लास्ट पॉइंट नंबर 5। तो एज सच में आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या हो गया अभी, पहले क्या होता था आपको विद इन वन ईयर आपको 10 लाख का कैपिटल लगता था। पैसे पहले 5 लाख रुपए था, ठीक है, फिर वो बढ़ा के भी 10 लाख कर दिया ना। तो आज की डेट में जब आप निधि बनाओगे तो मिनिमम कैपिटल 10 लाख ही है। तो ये रूल ऐसा फिर आप, क्योंकि ट्रांजेक्शन चल रहा है ना अभी, क्या होगा जब भी कंपनीज बनेगी, निधि कंपनी बनती है, ठीक है, अमेंडमेंट के बाद से। तो अमेंडमेंट कब आई थी, ये अमेंडमेंट आई थी 19 अप्रैल 2022 को, देख रहे हैं 19 अप्रैल 19 अप्रैल। उस दिन के बाद जो भी निधि बनेगा वो सर नेट ओन फंड रखेगा 10 लाख, मिनिमम कैपिटल रखेगा सर 10 लाख रुपये का, ठीक है, 200 मेंबर्स रखेगा हमेशा, 2:1 का वो रेशियो रखेगा, सॉरी 1:20 का, 1:20 नेट ओन फंड डिपॉजिट 1:20, अनइनकम टर्म डिपॉजिट में 10%। वो तो मैंडेटरी हो गया ना, पहले ट्रांजेक्शन चल रहा था, अभी भी ट्रांजेक्शन चल रहा है। बोलते हैं कि भैया अब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, कब से, आगे से, फ्यूचर से। 19 अप्रैल के बाद तो हर कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर इन रूल 6 ऑफ द सेड रूल्स फॉर क्लॉज डी द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड, acquire or purchase securities of any other company or control the composition of board of any other company in any manner whatsoever into any arrangement for the change of its management। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें क्या ना एसआर वाली बात होती थी कि अपन एसआर के थ्रू कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, अनलेस ये पूरा कट हो जाएगा। पेज नंबर है 10.22, पूरा कट हो जाएगा 10.22 वॉल्यूम 1 में। अनलेस दिख रहा, अनलेस वो हटा दिया गया, ये रहा पेज नंबर 145 पर, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। देन एंड फॉलोइंग शैल्स क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, रेजिंग लोन्स, तो आफ्टर के रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक और एफआई और इन द सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू मेंबर्स ऑफ निधि। तो एज सच नहीं लिखोगे अभी, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें के बाद यहाँ पर आई ऐड हो गया, आई GHIJK LL ऐड हो गया यहाँ पर, एल फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स लिख दीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। एंड बाकी लोग जिनके पास वॉल्यूम 1 से जो लोग पढ़ रहे हैं मेरी बुक से, तो उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा, एल ऐड करो वहाँ पर, लिखो रेज लोन फ्रॉम बैंक और एफआई, रेज लोन्स फ्रॉम बैंक और एफआई और एनी अदर सोर्स, और एनी अदर सोर्स, रेज लोन फ्रॉम बैंक और एफआई और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू मेंबर्स ऑफ निधि। ये कॉपी कर दीजिए, ये ऐड हुआ है। ऐड कर दो। डन। देन in rule 8 of the said rules after sub rule 3 the following sub rule shall be inserted। ठीक है, membership वाला, a member shall not transfer more than 50% of shareholding as on the date of availing loan or making of deposit during the subsistence of such loan or deposit the case may be। the member shall retain the minimum number of shares required under 7 under rule 7 at all times। एक शेयर 10 रुपये का, सॉरी एक शेयर 100 रुपये का या फिर 10 शेयर 10 रुपये का, याद है वैसे अपन पढ़ते थे। तो उसमें क्या था, वो आप लोन ले सकते हो। रूल 8 रुको अभी, तो मेंबरशिप वाले में 1, 2, 3 रिमेन द सेम, 4 ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कहाँ ऐड करना है इसको अभी। तो इस पर शायद कुछ क्वेश्चन दिख जाए आपको। मेंबरशिप वाला एक पॉइंट होगा आपका, ये रहा। ठीक है, ABCD यहाँ पर लिखने का आपको, D यहाँ लिखने का है। एंड वॉल्यूम 1 वालों ABC सेम है, D लिखने का आपको मेंबरशिप में, पेज 145 वहाँ ऐड करो। ऐड दिस लिखो। डन। नाउ इन द सेड रूल्स, इन रूल 9 10 लाख की जगह पे 20 लाख आया है। तो नेट ओन फंड में क्या बोल, देखो, एवरी निधि शैल मेंटेन नेट ओन फंड्स ऑफ मिनिमम 20 लाख रुपये। जो पहले 10 लाख था वो 20 लाख हो गया। अब देखो ये लोग ने क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया। अभी क्या बोलने का, भी लोग को यहाँ पर चेंज नहीं किया, रूल 5 में चेंज नहीं किया। पढ़ने वाला तो पागल हो जाएगा ना कि 200 मेंबर्स नेट, भैया सब जगह पर हो गया 20 लाख रुपया। मिनिमम 20 लाख रुपए होना चाहिए अभी। नेट ओन फंड्स तो क्या हो गया, कैपिटल डबल हो गया, 10 लाख हो गया, नेट ओन फंड 20 लाख हो गया, तो जो 5 था वो 10 हो गया, जो 10 है वो 20 हो गया नेट ओन फंड। फिर वो ट्रांसलेशन लिखा है, एवरी निधि एज ऑन द डेट ऑफ द निधि रूल्स शैल कंप्लाई विद 18 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। ठीक है, देखो 10 लैक्स का क्या हो गया 20 लैक्स, तो चेंज करो हाथ के हाथ। नेट ओन फंड 10 का 20 लाख रुपीस, ठीक है, ध्यान रखना। अब रूल 5 वाला जो है तो देखो पुराना था, ऐसे तो पुराना था, अभी नए वाले में तो क्या बोला, आप जब भी नई कंपनी बनाओगे आपको हमेशा 20 लाख रुपए चाहिएगा, पर अगर ध्यान रखना नेट ओन फंड कहीं भी आता है 20 लाख रुपए का, नेट ओन फंड 20 लाख रुपए हो गए निधि के लिए, नेट ओन फंड 20 लाख रुपए हो गया। पेज नंबर 146 पे 10 लाख का 20 लाख कर दोगे आप। कूल, देन in rule 14, after the words approval of original director, words by making application NDH to along with the fees as may be prescribed shall be inserted। तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है, बता दूं कहाँ है, रूल 14। यू नो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिटरी है, तो फॉर्म नंबर दिया NDH2, तो आई थिंक इसको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, NDH2 आया हुआ है, अप्रूवल का एक फॉर्म नंबर दे दिए, ठीक है, छोड़ देते इसको अपन, कोई चेंज नहीं आंसर में, NDH2 निधि वाला फॉर्म है। फिर इन रूल 15, इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स द लोन शैल बी प्रोवाइड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड इन रूल 15। तो लोन के लिए निधि कैन प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर्स, उसमें प्रोवाइडेड बाई लाइन ऐड हो गई है, तो रूल 15 में आ जाइए। रूल 15 आपको मिलेगा बेटा पेज नंबर उसी के नीचे 10.25 के नीचे, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर, इसके यहाँ पर लिख दीजिए आगे, इसके आगे लिख दीजिए, जिनके पास बुक है, अरे बाबू क्या खोल रहा है, लोन, ये नाम पेज नंबर है 148, 148 के आगे यहाँ लिख दीजिए आप। चलो कॉपी दिस। इन केस ऑफ जॉइंट शेयरहोल्डर्स द लोन शैल बी प्रोवाइड इन द टू द मेंबर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये कॉपी करो, कॉपी। डन है। फिर अनिधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25%। अब डिविडेंड के एक पॉइंट होता था कि आप 25 से ऊपर जाके दे सकते हो, बट आपको वो अप्रूवल लेना पड़ता है रीजनल डायरेक्टर का, ठीक है। ये पूरा कट हो गया, 25% आज भी रहेगा, कंडीशंस कट हो गई है। रूल 18 पेज नंबर है 10.27, खाली क्या रह गया अभी, अनिधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन अ फाइनेंशियल ईयर, निधि शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% फाइनेंशियल, खाली अब ये रह गया, कंडीशन वंडीशन सारी कट गई है। 25% इन अ फाइनेंशियल ईयर, बुक वालों डिविडेंड है रीजनल डायरेक्टर वाली बात, पेज नंबर है आपका 146 में मिलेगा। तो यहाँ से और साथ हायर अमाउंट से कट कर दीजिए, पूरा ही सब कट हो गया। एक्सीडिंग 25% इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो ये सब कट गया। भाई मैंने नहीं काटा, अमेंडमेंट आई है इसलिए कट गई है। कूल। तो निधि कंप्लीट हो गया। तो निधि में मेजर चेंज हमारे, जैसे आंसर में कहीं भी चेंज आ सकता है, जैसे डिविडेंड वाली बात हो गई, लोन वाली बात हो गई, आपके लिए नेट ऑन फंड कैपिटल डबल हो गया है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। देन सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर का वीडियो है जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो आ जाएगा। अभी थिंक कल परसों में डाल ही दूंगा यूट्यूब पे। तो पूरा सेम है, जो भी मैंने आपको लॉ में चेंजेस बताई है, सॉरी ऑडिट में जो चीज़ बताई, वो यहाँ पर कॉपी पेस्टेड हुई है। तो जो जो मिस्टेक थे ना, मिस्टेक थी मॉड्यूल में, वो चेंज हुई है। मॉड्यूल में जो है मैंने आपको रिकॉर्डेड में अपडेटेड ही पढ़ा है, उसका एक पार्ट हो गया, मैं साथ में डालना चाहता हूँ सो डैट बैकलॉग ना रहे। ठीक है, तो अभी जो जो लॉ की मॉड्यूल में जो मिस्टेक थी ना, वो इंश्योर ने चेंज की। तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपको पता होगा, ये अपन ने ऑडिट वाले एलओडीआर में कर लिया होगा आपने मेरे साथ। ये मैं वापस से वीडियो ला रहा हूँ लॉ के लिए, तो ये अपडेटेड ही पढ़ेंगे अपन। मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, एनसी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म ने लिखा था, एसएमई एक्सचेंज तो पहले वाली लाइन में चेंज हुआ है वहाँ पर। तो ये लॉ की बुक में अपडेटेड नहीं था, तो ऐसा कोई चेंज नहीं है। फिर ये लोग ने क्या किया, हिज और हर ऐड किया है, कोई चेंज नहीं है, मतलब हिज के हर डाला है। ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। फिर अच्छा, फिर ये जब अपन बोलते थे कि अपने को जब भी काउंट करना होता है कि मैं कितनी कंपनी में मेंबर बन सकता हूँ, कितनी कंपनी में चेयरमैन बन सकता हूँ, तो हमेशा पूरे चैप्टर में अपन हमेशा क्या देखें, कितनी कंपनी में आईडी बन सकता हूँ। हमेशा सर ओनली दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन, हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, हमेशा ये काउंट करता था। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन आ गया है। तो ऑलरेडी सेबी एलओडीआर में आपने किया हुआ है। जब अपन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर पढ़ते, किसी को अगर ऑडिट में एग्जामिनेशन है तो बेटा मैं भी रिकॉर्डेड ला रहा हूँ, अब उसमें देखना सेम चीज़ पढ़ाऊँगा आपको। फिर अब देखो, अभी मैंने आपको ऑडिट का अमेंडमेंट बताया, 2/3 शैल बी आईडी, एटलीस्ट ऐड किया, एटलीस्ट ऐड किया, बराबर। फिर वो शी भी ऐड किया, मतलब ही शी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में, तो कोई मेजर चेंज नहीं है इसमें। एनआरसी में 50% के बाद 2/3 आ गया, बराबर। तो आपने ऑडिट में कर ही लिया मेरे साथ अभी ऑलरेडी। तो एटलीस्ट 2/3 शैल बी आईडी, किसमें, एनआरसी में, ये अपन ने बात की। फिर ये आरएमसी अपडेटेड नहीं था, ये आरएमसी का पूरा आंसर पिछले अटैम्प्ट के अमेंडमेंट है। आरएमसी का पूरा आंसर अपडेट हो गया, वो तो लास्ट अटैम्प्ट में था, फिर अभी और ऐड कर दिया वो लोग ने, बराबर। तो कोई चेंज नहीं है, ये रही अमेंडेड रेगुलेशन, तो ये कट हो जाएगी, ये नहीं वाली। तो ये ऑलरेडी आपने अगर ऑडिट का पेपर पढ़ रखा है तो ऑडिट में किया होगा आपने। तो ये आरएमसी का आंसर अभी मैंने आपको ऑडिट में भी बताया, लास्ट अटैम्प्ट की अमेंडमेंट है, कोई नहीं चेंज है, खाली हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी नहीं था अपडेटेड मॉडल में, वो अपने ऐड कर लिया। देन फिर सब्सिडरी वाले आंसर में क्या था, वो अपन ऐसा पढ़ते थे कि अगर अपने को शेयर्स बेचने हैं 50% के नीचे, 50% के नीचे, तो मेरे को एसआर लगता था, राइट, क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या था, वो इक्वल टू के आगे वो लेस देन ऐड नहीं था, तो वो ऐड। ये भी बहुत पुरानी अमेंडमेंट है, लॉ की बुक अपडेटेड नहीं थी, ठीक है। तो देखो ये आपको ऐसा मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन निकलता, लेस देन और इक्वल टू आ गया। फिर आरएमसी में, अच्छा नहीं ये वो है कंपनीज़ में, वहाँ पर बोलते हैं ना कि अगर मैं 5 कमेटी में चेयरमैन बन सकता हूँ, 10 में मेंबर बन सकता हूँ, बट आपको हमें प्राइवेट कंपनी, सेक्शनेड कंपनीज, हाई वैल्यू डेट एंड फॉरेन कंपनीज को एक्सक्लूड करना होता है। तो हाई वैल्यू डेट ऐड नहीं था मॉड्यूल में, अमेंडमेंट तो पहले से की हुई है आप लोगों ने, पुरानी अमेंडमेंट है, पुरानी अमेंडमेंट सब प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8, फॉरेन कंपनी, हाई वैल्यू डेट एंटिटीज, तो ये ऐड हो गई है। फिर अब नाउ ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये अपन ने पढ़ा। देन 2.5% से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रैक्टिकल लाइफ की चेंजेस है। तो सेबी में, मतलब सेबी चैप्टर में ऐसा कोई मेजर चेंज है जो हम लोग पढ़कर आए, और पुरानी अमेंडमेंट है क्योंकि मॉड्यूल अपडेटेड नहीं थी इसलिए वो आया हुआ, ठीक है। अभी लाइब्रेरी, तो आपको पता होगा फेमा, फेमा में एक्सपोर्ट वाले आंसर में, तो फेमा में ध्यान से सुनना, फेमा में एक्सपोर्ट वाले आंसर में पता है वो अपन बात करते हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो, अपने एडवांस पेमेंट मंगाइए, तो आपको 1 साल में गुड भेजना पड़ता है, 1 साल के अंदर। और अगर कुछ अपन ने इंटरेस्ट की बात की थी सामने वाले से, मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा, तो वही आप इंटरेस्ट दे सकते हो। 1 साल बाद नहीं भी दे पाए, माल नहीं दे पाए, तो आपको तो इंटरेस्ट जब देना पड़ता है या फिर आपको जब उसको रिफंड करना है एडवांस, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगता है। अब वो लाइबर का एक रेट होता था, तो वो क्या बोलता है, अभी क्या बोलता है, लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट। ये पहले भी था, आज भी वही है, लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट। क्या एड हुआ, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एज में डायरेक्टेड बाय आरबीआई, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क, ये भी इस बार की नहीं पुरानी अमेंडमेंट है, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क। तो फेमा में आपको एक्सपोर्ट में एडवांस वाला आंसर मिलेगा आपको। तो ये पुरानी अमेंडमेंट, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट, तो ये पहले की अमेंडमेंट है, तो ये अपडेटेड ऑलरेडी। पेज नंबर था वॉल्यूम 2 में 140, फेमा में 140 में, तो खाली और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट ऐड हुआ है, आंसर में कोई फर्क नहीं है। देन दूसरा ईसीवी में क्या हुआ, ड्यू टू लाइबर ट्रांजिशन, क्योंकि लाइबर के लिए कुछ और भी रेट आएगा वहां पर, ठीक है। अब इन द व्यू ऑफ इमिनेंट डिस्कंटिन्यूशन ऑफ लाइबर एज अ बेंचमार्क, द फॉलोइंग चेंजेस दैट टू ऑल इन कॉस्ट एंड सीलिंग फॉर एफसीवाई ईसीसीबीस, ठीक है। बेंचमार्क रेट में जो चेंजेस आए प्रैक्टिकल में उसका अपडेशन है, हमारे लिए एग्जाम में नहीं आ सकता। भैया देखो क्या है, बेंचमार्क रेट हमेशा अपन क्या बोलते थे, बेंचमार्क डिफाइंड इन पैरा 1.5 डायरेक्शन, बेंचमार्क रेट इन एफसीवाई ईसीबीस रेफर टू 6 months LIBOR rate of the different currency or in the 6 month interbank interest rate applicable to currency, for example Euribor. Hence for the benchmark in case of FCY shall refer to any widely accepted interbank rate. पहले हमेशा अपन क्या बोलते हैं, लाइबर बोलते थे, राइट। अभी क्या बोलते हैं अपन, अभी उसको बोलते हैं एनी अदर इंटरबैंक रेट, तो बस वही है। तो आंसर में कोई फर्क नहीं, बिकॉज लाइबर की जगह पर अदर एप्लीकेबल रेट आ गए, तो अदर एप्लीकेबल रेट भी मान सकते हो। तो जहाँ जहाँ लाइबर की बातें थी उसका वो उसने ट्रांसलेशन का इफेक्ट बताया है, तो मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ईसीबी में जो क्वेश्चन आता है वो जैसे स्टार्टअप का पिछले अटैम्प में आया था, ठीक है, वो ऑल इन कॉस्ट क्या होती है आपकी, क्या एफसीवाई से मतलब फॉरेन करेंसी ईसीबीस में से अगर मैं आईएनआर में जाना चाहता हूँ, कोई कौन सा रेट लगेगा, वो सब क्वेश्चन पे आ सकता है। सब लाइबर वाइबर के डेफिनेशन में एग्जाम में नहीं आ सकता, छोड़ सकते हैं इसको। आईबीसी में क्या हुआ, आईबीसी में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है आईबीसी में भाई। मीटिंग ऑफ सीओसी में क्या हुआ है, तो सीओसी की मीटिंग में क्या होता है, ये पहले भी था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वेन अ मीटिंग ऑफ सीओसी एज एंड व्हेन कंसीडर नेसेसरी, ठीक है। अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ध्यान से पढ़ना, मैं कन्वेन अ मीटिंग खुद भी बुला सकता है, इफ यू कंसीडर नेसेसरी ऑन अ रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कमेटी एंड शैल कन्वेन अ मीटिंग इफ द सेम इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ कमेटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट्स। तो जो सीओसी के मेंबर्स है वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो भी वो मीटिंग बुला सकता है। सर आरपी में प्लेस अ प्रपोजल रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सीओसी इफ यू कंसीडर नेसेसरी एंड शैल प्लेस अ प्रपोजल इफ द सेम इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ सीओसी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स। क्या टाइम पास है, आरपी खुद बुला सकता है, सीओसी के मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया है वो भी पॉसिबल है, किसी ने प्रपोजल दिया फिर प्रपोजल जाएगा सीओसी के सामने 33% फिर वो बुला सकता है, उसकी इच्छा बुला सकता है। जनरली पहले क्या होता था, खाली आरपी में कन्वेन अ मीटिंग ऑफ द कमिटी एज एंड व्हेन कंसर्न एंड शैल कन्वेन अ मीटिंग इफ अ रिक्वेस्ट इज मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग 33%। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया, अगर किसी ने खुद बुला सकता है, वो किसी मेंबर्स ने सीओसी के मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया जिनका जिसका 33% है, अच्छा किसी ने प्रपोजल अगर मीटिंग करो फिर वो कहाँ जाएगा, सीओसी के सामने जाएगा, फिर सीओसी रिक्वेस्ट करके आरपी को, आरपी बुला सकता है। तो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, आंसर में कोई चेंज नहीं। मीटिंग ऑफ सीओसी आएगा तो उसको लिख लीजिए, मॉडल पेज नंबर 6.48 स्टडी मटेरियल। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म, अमेंडमेंट खत्म हो गया। आधे घंटे की लॉ के ऑडिट के अमेंडमेंट है, आधे घंटे की लॉ के अमेंडमेंट है, बाकी मेजर चेंज कुछ भी नहीं है। नवंबर 22 में पीपल हैव टेकन माय लॉ फास्ट तक हमने अपडेटेड सारी चीज़ें पड़ी हुई है, मतलब एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। सेबी का वीडियो 2-3 दिन में अभी अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो चुका है, सेकंड पार्ट का थोड़ा सा पेंडिंग है, वो मैं आज या कल में करके डाल दूंगा, साथ में डालूंगा। हो गया अमेंडमेंट, इट्स अ कंबाइंड वीडियो फॉर लॉ एंड ऑडिट। अच्छा, पीपल हु वांट टू वॉच रिविजन सेशंस, लॉ के सेशन अपने चैनल पर रखे हुए सारे वही देखने हैं, सेबी खाली अपडेटेड देखना है। फेमा का मैंने वो ओडीआई ईसीबी वाला और इम्पोर्ट वाला आंसर वो डाल दिया है, ठीक है। ऑडिट आपको पता है कहाँ देखने का है, रिविजन वहाँ आएगा, खत्म हो गया। फालतू में मार्केट में इतना पैनिक है, कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। कीप स्माइलिंग। मोटा माटी मान लीजिए ऑडिट के जो चेंज है, लॉ के जो चेंज है, मोटा माटी 200 मार्क्स में से 10 मार्क कैरी करेंगे आपके पक्का। निधि कंपनी के चेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। अच्छा LODR में चेंजेस है वो इंपॉर्टेंट है, लॉ के पेपर के लिए भी, ऑडिट के पेपर के लिए भी। मेन ऑडिट में तो LODR आ रही है ना, खाली ऑफिस कॉल में 10 करोड़ की जो लिमिट हो गई है वहाँ पर, वो बस हो गया खत्म, इतना ही करना है। ओके बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज क्योंकि अब की बार आखिरी बार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।